तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं, एक घुटन सी रहती है तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर ये दुनिया तमाम धींगा मुश्ती के साथ बेघर पाश की दहलीजें लांघ कर आती जाती है। तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल तूफान सा होता हूँ, ज्वार भाटा और भूकंप होता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रोज मिलने आते हैं आइंस्टाइन और लेनिन, मेरे साथ बहुत बातें करते हैं। इन बातों में तुम्हारा जिक्र बिल्कुल भी नहीं होता। मसलन वक्त एक ऐसा परिंदा है जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फों में गूंथे जाते या जुल्फे सितारों में, एक ही बात है। मसलन आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीच को खोजना है, लेकिन हाय हाय बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। वैसे इन सारी बातों से तुम्हारा जिक्र गायब रहता है। तुम्हारे बगैर मेरे पर्स में हमेशा ही हिटलर की तस्वीर परेड किया करती है। उस तस्वीर के पस मंजर में अपने गांव के पूरे वीराने और बंजर की पटवार होती है। निक्की के ब्याह में रहन रखी जमीन के सिवा बची जमीन भी सिर्फ जर्मनों के लिए इंतसाब होती है। तुम्हारे बगैर मैं सिद्धार्थ नहीं बुद्ध होता, और अपना राहुल जिसे कभी पैदा नहीं करना, कपिल वस्तु का वारिस नहीं एक भिक्षु होता है। तुम्हारे बगैर मेरे घर का फर्श सेज नहीं ईंटों का एक समाज होता है। तुम्हारे बगैर सरपंच और उसके गुर्गे हमारी खुफिया डाक के मुखबिर नहीं जनाब बीडीओ के मुलाजिम होते हैं। तुम्हारे बगैर अवतार सिंह संधु महज पाश और पाश के सिवा कुछ नहीं होता। तुम्हारे बगैर जमीन की कशिश बर्दाश्त करती दुनिया की तकदीर होती है, या मेरे जिस्म को खरोच कर गुजरते अहादसे मेरे मुस्तकबिल होते हैं। लेकिन किंदर झुलसती जिंदगी माथे लगती है। तुम्हारे बगैर मैं होता ही नहीं। शुक्रिया।